एनिमल किंगडम में जानवरों का जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितना ताकतवर, खूंखार और तेज है। यही वजह है कि दूसरे जानवर शेर और चीता से सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन अगर यही खूंखार जानवर जंगल से बाहर निकलकर इंसानों पर हमला करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये घटना सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास में ऐसी एक घटना पहले भी घट चुकी है। एक खूंखार बाघिन जिसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम शैतान के रूप में दर्ज करवाया। कौन थी चंपावत की शैतान बाघिन? बात साल 1907 की है, जब उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाली गांव में एक महिला लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गई थी। तभी उस महिला की एक जोरदार चीख सुनाई दी और जंगल में लकड़ियां चुन रही दूसरी महिलाएं भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरअसल उस महिला के ऊपर एक बाघिन ने हमला कर दिया था और वो उसे खींचकर जंगल की तरफ ले गई। जबकि दूसरी महिलाओं की चीख सुनकर गांव के 30 से 40 लोग इकट्ठा हो गए थे। वो सभी लोग बाघिन के हमलों के बारे में जानते थे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से एक खूंखार बाघिन अपनी भूख मिटाने के लिए गांव वालों पर हमला कर रही थी। गांव वाले लाठी डंडा लेकर बाघिन को ढूंढने निकले, लेकिन तब तक बाघिन उस महिला को लेकर घने जंगल में कहीं गायब हो गई थी। इस तरह उस बाघिन ने एक या दो नहीं बल्कि कुल 436 लोगों को अपना शिकार बना लिया था, जिसमें महिलाएं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आमतौर पर शेर और बाघ इंसान को अपना शिकार नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर इन जंगली जानवरों के मुंह में इंसान का खून लग जाए तो वो फिर किसी जानवर का शिकार नहीं करते हैं। इस शैतानी बाघिन की कहानी उत्तराखंड के जंगलों से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इस बाघिन का असल कहर 1890 के दशक के आखिर में नेपाल में शुरू हुआ था। नेपाल और चंपावत की सीमा आपस में लगती है, इसलिए उस शिकारी बाघिन के लिए नेपाल को पार करके चंपावत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बताया जाता है कि उस बाघिन ने चंपावत के लोगों को अपना शिकार बनाने से पहले पश्चिमी नेपाल में रूपल गांव के लोगों को भी अपना शिकार बनाया था। यानी ये साफ हो चुका था कि उस बाघिन के मुंह में इंसान का खून पहले ही लग चुका था। उन दिनों आधुनिकता या संसाधनों की कमी हुआ करती थी, इसलिए पहाड़ी इलाकों में गांव से लापता होने वाले लोगों की तलाश ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाई थी। उस बाघिन ने जब पहली बार इंसानों पर हमला करना शुरू किया तो उस आदमखोर को मारने के लिए नेपाल के राजा ने शिकारियों को आदेश दिया कि वो बाघिन को मार गिराएं। नेपाल के शिकारियों ने बाघिन को मार गिराने के लिए हमले की मुहिम शुरू की, लेकिन वो बाघिन को मार गिराने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि इन हमलों की वजह से बाघिन नेपाल से भागकर भारत के चंपावत जिले में पहुंच गई थी, जहां उसने महिलाओं और लड़कियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। दरअसल महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाने के लिए बाघिन का ज्यादा शारीरिक बल खर्च नहीं होता था। वहीं पहाड़ों में महिलाएं जंगल से लेकर खेतों तक सारे काम करती थी। इंसानों पर हमला करते हुए चंपावत की शैतान बाघिन इतनी खूंखार और तेज हो चुकी थी कि उसे पकड़ना या फिर मार पाना सेना के जवानों के लिए भी आसान नहीं था। शुरुआत में चंपावत के लोगों को पता नहीं था कि उनके इलाके में खूंखार बाघिन आ चुकी है, लेकिन जब इलाके से बच्चे और महिलाएं एक के बाद एक गायब होने लगे तो स्थानीय लोगों को महसूस हुआ कि शिकारी बाघिन नेपाल से चंपावत आ चुकी है। गांव वालों को जंगल से घरों के बाहर और रास्ते में खून के निशान दिखाई देते थे, जो उन महिलाओं और बच्चियों के होते थे जिन्हें बाघिन ने अपना खाना बनाया था। उस दौर में चंपावत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जबकि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ब्रिटिश सेना की छावनी हुआ करती थी। पूरे चंपावत में शिकारी बाघिन का कहर चरम पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से कई लोगों को लगता था कि इंसानों पर कोई एक बाघिन नहीं बल्कि बाघों का पूरा झुंड हमला कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बाघिन के हमले की खबर ब्रिटिश शासकों तक पहुंचाई, जबकि इस दौरान स्थानीय लोग खुद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। अंग्रेजों ने गोरखा राइफल के कुछ जवानों को बाघिन का शिकार करने के लिए चंपावत भेजा था, लेकिन कई दिनों की मेहनत मशक्कत के बावजूद भी जवान उस बाघिन का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे।
इसके बाद अंग्रेजों ने बाघिन पर इनाम रख दिया और ये ऐलान किया कि जो भी शिकारी या इंसान बाघिन को मार गिराएगा उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई शिकारी बाघिन की तलाश में चंपावत के जंगलों में गए, जिनमें से कुछ शिकारी हार मानकर अपने घर लौट आए तो वहीं कुछ शिकारियों को बाघिन ने अपना शिकार बना लिया। इस तरह एक आदमखोर बाघिन ने चंपावत जिले के अलग अलग गांवों में लगभग 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने नैनीताल में रहने वाले ब्रिटिश ऑफिसर जिम कॉर्बेट को बाघिन को मारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये वही जिम कॉर्बेट थे जिनके नाम पर नैनीताल में नेशनल पार्क का नाम रखा गया है और वहां बंगाल टाइगर की अच्छी खासी आबादी रहती है। जिम कॉर्बेट का जन्म साल 1875 में नैनीताल में हुआ था, जो प्रकृतिवादी होने के साथ साथ एक हंटर, ट्रैकर और लेखक भी थे। जिम कॉर्बेट ने सरकार के सामने शर्त रखी कि बाघिन को मारने के अभियान में कोई दूसरा शिकारी शामिल नहीं होगा और बाघिन पर रखा गया इनाम भी हटा दिया जाए, ताकि इनाम के लालच में कोई शिकारी उनका काम खराब ना कर सके। इसके बाद जिम कॉर्बेट अपनी टीम के साथ चंपावत के पाली गांव पहुंचे, जहां आदमखोर बाघिन ने अपना आखिरी शिकार किया था। उस बाघिन के डर से लोग दिन के उजाले में भी घर के खिड़की दरवाजे बंद रखते थे, जबकि पाली गांव के अलावा चंपावत के कई दूसरे गांवों में भी बाघिन के हमले का कहर था। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ के पास अपना ठिकाना बनाया और वहां पर छिपकर बाघिन के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ दिनों तक इंतजार करने के बावजूद भी बाघिन का कहीं कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बाघिन को जिम कॉर्बेट के आने का पता चल गया था, इसलिए उसने गांव में शिकार करना भी बंद कर दिया था। इधर जिम कॉर्बेट को लगा कि बाघिन पुरुष होने की वजह से उन पर हमला करने से बच रही है, लिहाजा उन्होंने अपने ऊपर साड़ी लपेट ली और अपने ठिकाने के आसपास घास का ढेर रख दिया था। जिम कॉर्बेट का मानना था कि साड़ी और घास की वजह से बाघिन को लगेगा कि वहां पर कोई महिला है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन बाघिन भी कम चालाक नहीं थी। वो साड़ी देखकर जिम के नजदीक तो आई, लेकिन इतने नजदीक नहीं आई कि उन पर हमला करे या फिर जिम कॉर्बेट बाघिन के ऊपर गोली चला सके। कई दिनों तक पाली गांव में डेरा डालने के बाद भी जब जिम कॉर्बेट बाघिन को मारने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्हें लगा कि बाघिन ने अपना इलाका बदल लिया है। इसी बीच पाली गांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत डाक बंगले के पास बाघिन को देखा गया, जिसके बाद जिम कॉर्बेट उस जगह पर चले गए थे। अगली सुबह उन्हें पता चला कि बाघिन ने 436वें इंसान को अपना शिकार बना लिया है, जिसके बाद जिम कॉर्बेट बाघिन का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गए। जंगल की गीली मिट्टी पर बाघिन के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब जिम कॉर्बेट कुछ आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाघिन युवक के शव को नोच नोच कर खा रही है। जिम कॉर्बेट ने गोली चलाई, लेकिन गोली की आवाज सुनकर बाघिन ने अपना शिकार खींचना शुरू कर दिया। हालांकि वो शिकार को खींचकर अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो पाई और बाघिन को खाली हाथ ही वहां से भागना पड़ा। अब जिम कॉर्बेट समझ चुके थे कि उन्हें बाघिन को कैसे पकड़ना है, लिहाजा उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक गांव वालों को एक तरफ खड़े होकर ढोल बजाने थे, जिसकी आवाज सुनकर बाघिन दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती और उस तरफ से जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक से बाघिन पर हमला कर देते। अगली सुबह बाघिन एक बार फिर शिकार करने के लिए गांव में दाखिल हुई, लेकिन इस बार गांव वाले चौकन्ने थे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वालों का शोर सुनकर बाघिन दूसरी तरफ भागने लगी, तभी दूसरी तरफ जाल बिछाकर बैठे जिम कॉर्बेट ने मौका देखते ही बाघिन पर गोली चला दी। जिम कॉर्बेट का निशाना बिल्कुल सटीक था और गोली बाघिन के पेट पर जा लगी, जबकि कॉर्बेट की राइफल से निकली दूसरी गोली बाघिन के पैर पर लग गई थी। इस हमले से बाघिन घायल होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद जिम कॉर्बेट बाघिन के करीब गए और उसे तीसरी गोली मार दी। इस तरह चंपावत में आदमखोर बाघिन का कहर खत्म हुआ और गांव वालों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन जब उस मरी हुई बाघिन के शव को ध्यान से देखा गया तो जिम कॉर्बेट के होश उड़ गए।
दरअसल उस बाघिन का जबड़ा जख्मी था और उसके दाहिने मुंह के ऊपर और नीचे के दांत टूटे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि वो बाघिन पहले भी इंसानी गोली या हमले का शिकार हुई थी। उस हमले की वजह से बाघिन के लिए प्राकृतिक रूप से जानवरों का शिकार कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि जंगली जानवरों को मारने के लिए मजबूत पकड़ और ज्यादा जानलेवा हमले की जरूरत होती है। बाघिन के उस घायल जबड़े और टूटे हुए दांतों को देखकर जिम कॉर्बेट को एहसास हुआ कि वो बाघिन किसी शिकारी की गोली का शिकार हुई होगी, जिसमें उसकी जान तो बच गई लेकिन उसके लिए खाना इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। बाघिन ने जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था, जबकि पहले वो बाघिन आदमखोर नहीं थी और उसे आदमखोर बनाने वाले लोग भी ब्रिटिश शिकारी ही थे। इस घटना ने जिम कॉर्बेट को अंदर तक हिलाकर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जीवन में फिर कभी शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपने मजे के लिए शिकार करता है और उसका भुगतान घायल या जख्मी होने वाले जानवरों को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। वहीं आदमखोर बाघिन को मौत के घाट उतारने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर साल 1936 में नैनीताल जिले में नेशनल पार्क खोला गया था, जहां बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट ने बाघों पर किए गए हमले पर रिसर्च की और ये पाया कि इंसानी हमलों से बचने वाले जानवरों के लिए प्राकृतिक रूप से शिकार करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से या तो वो मर जाते हैं या फिर आसान शिकार की तलाश में आदमखोर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंपावत की शैतान का अंत कैसे हुआ था और कैसे उस बाघिन की वजह से जिम कॉर्बेट ने हमेशा के लिए शिकार करना छोड़ दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।